Assalamualaikum everyone, finally here. So after a long time मेरी एक टेक स्ट्रेचिंग वीडियो आ रही है और आज की वीडियो में as you can see from the title, आज हम करने वाले हैं कनौर का फ्यूजन ट्राई विच इज लाइक ये अभी न्यू फ्लेवर आया है कनौर का, तो हम इसको आज ट्राई करेंगे और मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा है. तो इट्स बेसिकली हॉट कोरियन किमची रामन. अच्छा, इसको बनाना कैसे? बेसिकली इसको बनाने के लिए हमें जो है ना, क्या कहते हैं, पहले 3 कप पानी हमने बॉईल कर लेना है. फिर उसके बाद इसमें जो इसके नूडल्स हैं हम वो उसमें डालेंगे, ठीक है. फिर जब वो बॉईल हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद उसका जो है ना, उसको हमने मतलब उसको छान लेना है किसी, और उसका जो रिमेनिंग जो वाटर होगा ना, उसको हमने एक सेपरेट बाउल में निकाल लेना है, ठीक है. फिर उसके बाद हम इसको दूसरे पैन में, मतलब उसी पैन में भी डाल सकते हैं, उसमें डाल के फिर उसके बाद हमने इसकी जो सीजनिंग और सॉस वगैरह जो दी होगी आगे सुनाना, तो फिर उसके बाद हमें वो डाल के और उस जिसमें हमने इसका रिमेनिंग वाटर रख दिया था ना, वो हमने वापसी इसके अंदर ऐड करना है. और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको पका के और फिर उसके बाद चेक कर देना है किस टाइम से बनेंगे. लेट्स ट्राई कि कैसे बनते हैं. सो गाइस, हमारे जो है रामेन किमची फ्लेवर फ्यूजन कनौर रामेन जो है वो हमारे रेडी हैं, और ये मेरे पास ये मैंने 2 जगह डिवाइड कर ली है. आज की हमारी गेस्ट है तस्मिया. ओके सो गाइस, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब ब्लाजन ट्राई किया था, तो मैंने वो तस्मिया के साथ ट्राई किया था. तो इस बार हम लोग कनौर का फ्यूजन ट्राई कर रहे हैं, वो भी तस्मिया के साथ. तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका फ्लेवर कैसा है. गाइस, ये रहे ये तस्मिया के, ये मेरे, और ये हमारा फ्यूजन. लेट्स गो गाइस. इसके जो नूडल्स है ना, वो जो राइस की नूडल्स होते हैं, इसकी नूडल्स वही है बिल्कुल लाइक रामेन जैसे, और इसकी जो सॉस है वो भी रेड रेड सी थी रामेन की तरह. तो अब हम इसको ट्राई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे है. थोड़े से ट्राई करूं पहले का. मुझे क्यों लग रहा है ये मिर्ची होंगी इसमें, क्योंकि इसमें स्पाइसी है ये. ऑब्वियसली ये स्पाइसी है. बिस्मिल्लाह. टेस्ट तो कुछ भी नहीं है. Let me take another bite. Another bite. Taste कुछ भी नहीं है, बस इसमें मिर्चें हैं. देख सकते हैं मेरी हालत. इसके अंदर रामेन वाली बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है जैसे रामेन में होती है. इसके साथ हमें ये मिला था पैक इसका, और ये मैंने पूरा डाला. रामेन में क्या होता है, अक्सर मैं थोड़ा बचा देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है. ये इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है. एक बाइट और. लेकिन रामेन के मुकाबले कोई भी नहीं आ सकता. अब हो रही है हालत डाउन. अच्छा तो गाइस, ये जो है ना, देखा जिन लोगों को रामेन नहीं पसंद ना, ट्राई करेंगे ना, तो उनको डेफिनेटली ये वाले बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि इनकी जो स्पाइस है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है. जैसे रामेन तो होते हैं ना, तो कंपेयर टू रामेन इनकी स्पाइस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा है. हॉट किमची फ्लेवर जो है बनाना चाहे थे उन्होंने कोरियन, इसका अच्छा है. लेकिन उनका बन नहीं पाया रामेन. लेकिन कुछ लाइक अगर रामेन खाओ ना, तो वो पता चलता है डेफिनेटली आपने जो है ना एक चीज खाई है. लेकिन ये सही है बस, नहीं कोई फ्लेवर नहीं है, बस ये मिर्चें हैं इसमें. किमची की इसमें वो नहीं है. नहीं, जबकि हमने इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डाली थी. मैं थोड़ा लाइक सिबलिंग्स वगैरह को मैंने ट्राई कराया है, तो उनको ये जो है बहुत ज्यादा पसंद आया. वो कह रहे बहुत मजे का है ये. मेरे जो भाई है ना, उनको मतलब इतनी ज्यादा स्पाइस नहीं पसंद ना, तो उन्होंने तो ये बहुत लाइक 10 out of 10 को ये बहुत ज्यादा पसंद आया. फ्लेवर अच्छा है. और इसका हमारा एक बिल्डर है जिसका नाम माइक है. सो या थोड़ा सा हमने सोचा ASMR करते हैं. आवाज आ रही है. Mm-hmm.
अच्छे हैं यार, फूजान कनौर वालों का ये अच्छा है बहुत। ये वाला ब्लेजिन से बहुत अच्छा है ना, ब्लेजिन से बहुत अच्छा है। ब्लेजिन में जस्ट स्पाइस थी, इसमें फ्लेवर है। आई होप ये कनौर वाले और ज्यादा फ्लेवर्स निकाले हैं ना। मेरा जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब जाके मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही है मिर्चें। बहुत ज्यादा अच्छा ये फूजान फ्लेवर। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप लोगों को रेमन जो है ना बहुत ज्यादा स्पाइसी लगता है ना, तो आप ये खाएं। आप लोग ये कनौर का जो ये फूजान है ना ये ट्राई कर सकते हैं। लिटरली गाइस ये बहुत अच्छा है और आई होप कि कनौर वाले और ज्यादा न्यू फ्लेवर्स निकाले ना। हाँ, इसके और ज्यादा न्यू फ्लेवर्स निकाले, ये बहुत अच्छा है। और सो या पीस लव इट।